सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ हैवी साइज की पैंट कटिंग। दोस्तों, ये आप पैंट कटिंग कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसमें बताऊंगा। और दोस्तों, ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, हमारे अमीना बुटीक की एप्लीकेशन है जो आपको स्क्रीन पे दिखती होगी, आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होगा कि आप मोहम्मद आई चैनल और अमीना बुटीक दोनों चैनल की वीडियोस एक ही ऐप में देख सकते हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हम पैंट आपको काट के दिखाने वाले हैं, आप उसका नाप देख लीजिए। सबसे पहले लेंथ होगी हमारी लंबाई 38 इंच, इसकी लंबाई होगी। आप कुछ भी रख सकते हैं, अगर आपका साइज़ है तो आप लंबाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये सिर्फ डेमो के लिए होता है, जिससे कि आप सीख पाएँ। इसकी मोरी 16 इंच होगी। इसकी जो थाई होगी वो 35 इंच ली हमने। इसकी कमर 46 ली है। इसकी जो हिप है वो 50 इंच तैयार, मतलब जो आप गोलाई में नापते हिप, ये 50 इंच है। तो आप इसमें किस हिसाब से कटिंग करेंगे इतने हैवी साइज़ को, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने ये कपड़ा लिया है, ये कपड़ा हमारा तकरीबन है 2.25 मीटर, ठीक है। 2.25 मीटर में आराम से आपकी पैंट बन जाती है 38 इंच लेंथ तक की, ठीक है। हमें उसमें साइज़ से नहीं, लेंथ से मतलब होता है। तो आप लंबाई 38 इंच तक आपका 2.25 मीटर में आराम से हो जाएगा, जिसका अर्ज इतना बड़ा, यानी कि ये 40 इंच के आसपास का आपका अर्ज है। मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये आपका 42 आ रहा है, ठीक है। जिसका अर्ज 40 इंच तक होगा, तो आप उसके अंदर 2.25 मीटर में आप आराम से 38 साइज़ की पैंट बना सकते हो। तो 2.25 मीटर कपड़ा लेके सबसे पहले किनारे वाले हिस्से को आप इस हिसाब से मिलाएंगे और इसको बिल्कुल एक बराबर करके आराम से अपनी साइड में रखना है, किनारे वाले हिस्से को बिछा लें। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने ये बिछा लिया है। आप देखेंगे किनारे वाला हिस्सा आपको अपनी तरफ रखना है। उसके बाद आप सीधे फुट्टे को सबसे पहले ऊपर से सीधा निशान लगा लेंगे। उसके बाद आप इसको यहाँ से देखिए 1 इंच ऐसे छोड़ना है आपको, और छोड़ने के बाद आप जो आसन का निशान लगाएंगे 35 इंच थाई में, थाई के हिसाब से हम आसन का निशान लगाते हैं हमेशा, तो यहाँ पे आप लगाएंगे 13 इंच पे। लंबाई है आपकी 38 इंच, तो आप 38 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम इन दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने निशान लगा लिया है। ये देखिए, ये निशान जो हमारा है, ये हमारी लंबाई का है, ठीक है। ये हमारी लंबाई का हो गया, और ये वाला निशान हमारा मार्जिन है। आप पैंट में हमेशा मार्जिन को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि नीचे जितना आपको चौड़ा मोड़ना है, आप उस हिसाब से ये कपड़ा रख सकते हैं नीचे का, कपड़े के हिसाब से। फिर आपको देखिए, ये इस हिसाब से आपका एक फुट्टा होगा, सेफ फट्टी कहते हैं हम इसे। आप इसको इधर से रखेंगे इस हिसाब से, और इसे इस हिसाब से निशान लगाएंगे जैसे मैं लगा रहा हूँ। ये आप निशान लगा लिया आपने। उसके बाद ये आपका थाई वाला हिस्सा होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो थाई है वो है 35। आप 35 का जो आधा लेंगे वो हो जाएगा 17.5, यानी कि 17.5 इंच। 17.5 इंच पे इस हिसाब से देखिए, ये 17.5 है, और हम इसको इस हिसाब से निशान लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये 17.5 आपने निशान लगा लिया। अब आपको 17.5 का आधा जो हमारा होगा 9.25 इंच, आप 9.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे यहाँ पर थाई के यहाँ से। सबसे पहले ये निशान लगा के यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। जब ये आपका निशान लग जाएगा, तो यहाँ से आप नापेंगे 10 इंच आ रहा है आपका, देखिए किनारे वाले हिस्से पे नापना है, ठीक है। ये 10 इंच आ रहा है, आप ऊपर भी किनारे वाले हिस्से से 10 इंच लेके ऐसे निशान लगाएंगे, और इसी हिसाब से आप 10 इंच लेके मोरी पे निशान लगा लेंगे, और थोड़ा निशान आप इसके बीच में लगा लेंगे। ये निशान हम क्यों लगा रहे हैं, ये होता है हमारा क्रीज का निशान, जो कि सेंटर क्रीज हम लेते हैं पैंट में उसका। तो आप इसको पहले सीधा कर लें फुट्टे से। तो देखिए दोस्तों, ये निशान आपने लगा लिया। अब इसके बाद आपको सबसे पहले जो निशान लगाना है, वो निशान आप लगाएंगे अपनी मोरी का। आपकी मोरी है 16 इंच, तो यहाँ से हम देखिए 16 का आधा हो गया 8 इंच, 8 का आधा हो गया 4 इंच। तो ये देखिए, 4 इंच आपको सेंटर पे ऐसे रखना है, एक निशान आपको ऐसे लगाना है, दूसरा निशान आपको 8 इंच पे इस हिसाब से लगाना है, ठीक है। ये निशान हमारा 8 इंच पे हो गया। जब ये 8 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे, तो ये आपका सेफ फट्टी वाला हिस्सा है, जो आप इसको इधर से देखिए, इस तरफ से थोड़ी नीचे से आप इसको इस निशान पे, ये देखिए आप निशान पे इस हिसाब से निशान लगा लें फुट्टे की मदद से, ठीक है।
उसके बाद ये निशान को आप यहाँ पे सीधा कर देंगे और ऐसे ही फिर इसको इस हिसाब से घुमाएंगे, फुट्टे को यहाँ पे ऐसे रखने के बाद इस निशान पे मिलाएंगे और इसको इस हिसाब से निशान लगाएंगे। और लगाने के बाद इसको हल्का तिरछा कर लेंगे हम, ताकि फोल्ड हमें करने में आसानी रहे। इस हिसाब से आप निशान लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ तक का आपका निशान लग गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कमर का फार्मूला कैसे निकालेंगे। दोस्तों कमर है हमारी 46 इंच, यानी 46 इंच, 46 का आधा हो गया आपका 23 इंच, ठीक है। तो 23 इंच हमारा हो गया, 23 का आधा हो गया हमारा 11.5। 11.5 पे आप निशान लगाएंगे, उसके बाद 2.5 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि आपकी 1.5 इंच की प्लेट होगी और आधा आधा इंच हमारा मार्जिन जाएगा जिप में और साइड जोड़ने में, ठीक है। तो हमारा 2.5 इंच टोटल एक्स्ट्रा मार्जिन होता है। तो हम यहाँ पे इस हिसाब से 14 इंच, यानी कि 11.5 और 2.5 14 इंच यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ का निशान हम कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहाँ का निशान हम इस हिसाब से लगाते हैं, सिर्फ अंदाजे से इतनी दूरी पे। और आप इसको यहाँ से फुट्टे से इस हिसाब से सीधा निशान लगाएं, और सीधा निशान लगाने के बाद आप इसको यहाँ पर इस हिसाब से देखिए राउंड दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका निशान लग चुका है। अब मैं जिस हिसाब से कटिंग करूँगा दोस्तों, आप उसी हिसाब से कटिंग करेंगे। आपको एक बार मैं और बता देता हूँ कि कमर का फार्मूला कैसे निकाला हमने। हमारी कमर 46 इंच तैयार है, तो हमें आगे की जो बेल्ट वाला हिस्सा है वो हम रखेंगे 23 इंच तैयार। आपको 23 का आधा 11.5 इंच पहले निशान लगाना होगा, उसके बाद 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेके आपको निशान लगाना होगा, ठीक है। ये वाला हमारा पैंट की क्रीज का हिस्सा है। आप यहाँ से तकरीबन 4 या 4.5 पे आप निशान लगा दें। इस हिसाब से यहाँ पे हम प्लेट डाल देंगे, ठीक है। अब जो हमारे जितने भी निशान लगे हम इस निशान पे कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ऊपर वाले हिस्से से। आप इसको सीधा कटिंग करें, ये कटिंग करने का है दोस्तों। आप इस दर से कटिंग करेंगे, जब आप ये कटिंग कर लेंगे तो पहला कट आपको यहाँ पे लगाना है फोल्ड वाला, दूसरा यहाँ पर, तीसरा आपका यहाँ पर आएगा प्लेट के लिए, ठीक है। उसके बाद आप कैंची से इसको इस हिसाब से लें और यहाँ पर दूसरी तरफ आपका उठ के आ जाता है एक सेप, और यहाँ पर आप निशान लगा लें। तो ये आपका प्लेट का निशान हो गया। अब आपको क्या करना है, आप इसको इस हिसाब से देखिए, जिस हिसाब से मैं ले रहा हूँ आप इसको इस हिसाब से तय करके हटा दें। और जो हमारा ये हिस्सा है बेल्ट का, देखिए कपड़ा जो हमारा बचा है, अब इस कपड़े को इस हिसाब से घुमाएंगे, ठीक है। इस हिसाब से घुमाएं जिससे हमारा थोड़ा कपड़ा जो है बच जाता है और हमें खर्चे में आसानी रहती है। तो अब इस हिसाब से अब इसको अच्छी तरह बिछा लें। तो दोस्तों ये देखिए, आप इस हिसाब से कपड़ा बिछा लेंगे और ये आपकी जो है बंद वाली साइड अब आपकी आपके साइड में होगी। और यहाँ से आप देखिए, आपने 10 इंच नापा था पहले क्रीज का नाप, अब यहाँ पर हम 10.5 रख लेंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से जो आपकी लंबाई थी तकरीबन, यहाँ से हम अंदाजे से नाप लें, हमारी 38 लंबाई के आसपास थी, तो हम इतनी दूरी पे 10.5 इंच और नापेंगे जिससे हम क्रीज आराम से मिला पाएँ। दोस्तों ये क्रीज हम इसलिए मिलाते हैं, इससे जो पैंट घूमती है कई लोगों की, ये घूमना बंद हो जाती है और बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आती है। तो ये जो निशान लगाए आपने, अब आप अपनी पैंट को खोलेंगे और ये जो सेंटर वाली जो निशान हमने लगाया है उस निशान से इस निशान को मिला लें और अच्छी तरह बिठा लें। तो दोस्तों देखिए, हमने ये पैंट को बिछा लिया है। आप देखेंगे हमने जो निशान लगाया था यहाँ पे, आप नापेंगे कपड़े को 10.5 10.5 10.5 और ये देखिए 10.5। तो बिल्कुल आपका ये निशान जो आपने लगाया था बिल्कुल ओके आप बिछा लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, तो दोस्तों आप सबसे पहले फुट्टा लें सीधा और उसको इस हिसाब से निशान लगाएंगे, ठीक है। दूसरा निशान आप नीचे की तरफ में लगाएंगे। ये दो निशान लगाने के बाद तीसरा निशान दोस्तों आप देखिए, ये आपका फ्रंट वाला हिस्सा है, यहाँ से आप इसको इस हिसाब से फुट्टे को सीधा रखेंगे, बिल्कुल सीधा रखना है और इस हिसाब से लेके जाना है। और दोस्तों इस साइज़ में आपको जो बैक उठा के काटनी होगी वो यहाँ से आप इस हिसाब से नापें, ये आ रहा है आपका 4 इंच इस जगह पे, ठीक है। तो हम 4 इंच इसमें बैक उठा के काटेंगे, ठीक है, क्योंकि हैवी इसमें हिप इसकी बहुत ज़्यादा हैवी है, तो आप इसमें 4 इंच उठा के काटें तो इसकी बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। ये देखिए हमने इस हिसाब से निशान लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, यहाँ से देखिए कपड़ा हमारा ज़्यादा बच रहा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा जब आप ये सेंटर नापेंगे तो आपका यहाँ पर जो मैं निशान लगाने जा रहा हूँ, अभी देखिए 1.5 इंच का हम निशान लगाएंगे ये, ठीक है, नीचे ऊपर लगाया और ये अब लगाएंगे नीचे,
ठीक है, इस हिसाब से आप इस तरफ भी ऐसे निशान लगा लें। इसको हम अंदाजे से सीधा कर लिया हमने, ठीक है, और फिर उसको इसको सेफ हट्टी से हम सीधा करेंगे इस हिसाब से, निशान पे इस निशान को मिलाएं और ये निशान लगा दिया। तो ये हमारा निशान लग चुका है। अब जो हम कटिंग करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम कटिंग करेंगे छोड़ के आधा इंच। तो हमें ये ध्यान रखना है, जैसे अब हमारा ये बिल्कुल किनारे पे आएगा तो हमारा कपड़ा ओके है, लेकिन यहाँ पे हमारा कपड़ा ज़्यादा है तो हम यहाँ भी इसे कपड़े को कर सकते हैं सेंटर, हमारा 10.5 की जगह हम 10 पे भी ले सकते हैं। तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना होगा कटिंग करते वक्त, कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरे हिसाब से बनाएं, आपके कपड़े का अर्ज कम हो और आपका यहाँ पे मार्जनी ना बैठो और आप यहाँ से कपड़े को काट दें तो आपकी पैंट ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आप इसको इधर भी खिसका सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इस हिसाब से जब निशान लगा लेंगे 4 इंच उठा के, और आप यहाँ से बिल्कुल सीधा लेके यहाँ से देखिए आपको राउंड इस हिसाब से देना होगा, या आप यहाँ पे ऐसे राउंड दे देंगे। और बाकी आपको किस हिसाब से कटिंग करनी है तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप कटिंग करेंगे इसको ऊपर से, इस हिसाब से तिरछे कटिंग करें, उसके बाद आप इसको इस हिसाब से कटिंग करेंगे, फिर आप यहाँ से इसको बिल्कुल बराबर कटिंग करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से देखिए आधा इंच छोड़ के, निशान पे नहीं काटना, आधा इंच या जितना आपको मार्जिन देना है उस हिसाब से आप इसको कटिंग कर लें। और यहाँ पर आप एक कट लगा लें। तो ये दोस्तों आपकी पैंट कटिंग हो चुकी है हैवी साइज़ में। तो हैवी साइज़ में आपकी इस हिसाब से पैंट कटिंग होगी जो कि मैंने आपको दिखाया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों जो लोग सीखना चाहते हैं आप उसको आपस में शेयर करें और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही हमारी अमीना बुटीक की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और अपने व्हाट्सएप पे शेयर करें। और दोस्तों अगर आप हमारी अमीना बुटीक चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।